अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी फिश फ्राई बहुत ही कम चीज़ों के साथ झटपट और आसान तरीके से। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 400 ग्राम कतला फिश। इसे अच्छे से धोकर ड्राई कर ले और इसे करते हैं कुछ मसालों के साथ मैरिनेट। इसमें ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 1/2 लेमन जूस, 1 टेबल स्पून चने का आटा ये बाइंडिंग के लिए और 1 टेबल स्पून चावल का आटा डालकर इस तरह से हम अच्छे से फिश पर मसालों को अप्लाई करेंगे, देखिए। और इसमें ऐड करते हैं 1/4 टीस्पून अजवाइन, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके इस तरह से रख लिया है। तेल को हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे और तेल अच्छे से गरम हो गया है। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर फिश को फ्राई करेंगे। तो इस तरह से एक एक डालते जाएं और 2 से 3 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करेंगे और इसे क्रिस्पी होने तक 7 से 8 मिनट तक इसे कुक कर लेंगे। देखिए फिश बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई है और ये गल गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे करते हैं डिश आउट। तो व्यूअर्स, हमारी फिश फ्राई बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनी है, सेहत के लिए फायदेमंद होती है। ज़रूर इसे अपने खाने में अक्सर शुमार कीजिए और कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।